हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। फोनिक्स कोर्स में जैसे कि हमने सीखा फोनिक्स साउंड्स, कोई भी लेटर का साउंड कैसे होता है ये हमने सीख लिया है। आज हम सीखेंगे वही लेटर्स को बाइफर्केशन यानी कि सेपरेट कैसे किया जाता है। हिंदी में जैसे स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी अल्फाबेट बाइफर्केट होते हैं दो ग्रुप्स में, एक होता है कॉन्सोनेंट्स, एक होता है वॉवल्स। अब दोनों में फर्क क्या है? वॉवल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। मैं ग्रुप बना देती हूँ, एक होता है वॉवल 5 होते हैं और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स जो कि 21 होते हैं। अभी हम पहचानेंगे कैसे, मैंने अंडरलाइन किए हैं 5 वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है उसे वॉवल्स कहा जाता है और बाकी के सारे 21, इन टोटल 26 अल्फाबेट से इंग्लिश बनती है, बाकी के सारे 21 जो है उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है, ये हम सबको पता है। अब यही चीज आपको बच्चों को कैसे पढ़ानी है वो समझ लीजिए। 5 फिंगर्स आपको वही बताना है, 5 फिंगर्स, ए सबसे बड़ा क्या हो गया, थम, ए ई I O U, ये 5 आपको प्रोनाउंसिएशन करते टाइम अपने होठों को अपने लिप्स को कुछ फोल्ड कुछ नहीं करना है, उसे सिर्फ आपको प्रोनाउंस करना है A E I O U। इसी तरह उनको रिकॉग्नाइज कराना है 5 वॉवल्स को, उसके अलावा जो भी है वो सारे हो जाते हैं कॉन्सोनेंट्स। उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी समझेंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स ये बाइफर्केशन बच्चों को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर ही पूरी फोनिक्स कोर्स डिपेंड करती है। कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, जैसे हिंदी में भी स्वर के मिले बगैर व्यंजन इस्तेमाल करने से वर्ड नहीं बनता है। हमने लास्ट वीडियो में भी जैसे देखा था, अगर हमें माँ लिखना है तो म प्लस आ इज इक्वल टू माँ, करेक्ट, ये हिंदी वर्ड है। उसी तरह अगर ये यहाँ पे आ नहीं मिलेगा, सिर्फ म से माँ नहीं बनेगा, उसी तरह वॉवल इंग्लिश लैंग्वेज में भी कॉन्सोनेंट के साथ जब तक नहीं जुड़ता है वो वर्ड नहीं बन सकता है। तो स्वर और व्यंजन, उसी तरह वॉवल और कॉन्सोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे सीवीसी वर्ड्स यानी कि कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, तीन चीजें मिलाकर वर्ड्स कैसे बनते हैं ये भी, शॉर्ट वॉवल क्या होता है, लॉन्ग वॉवल्स क्या होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे चेंज होता है, वो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत कुछ। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।